हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहन व्लॉग्स। सो अभी आप देख सकते हो, ये अपनी जावा 42FJ, और आपने इससे पहले देखा होगा इसकी एक हमने लॉन्च करा, उसका एक वीडियो बनाया। सो लॉन्च के बाद अभी ये कुछ मैं टेस्ट राइड के लिए निकला था इसकी, मैंने क्यों आपको बाइक के बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दी जाए, चलती कैसी है, सस्पेंशन कैसे है, राइड की क्वालिटी कैसी है, और पहले से जो इसके सस्पेंशन पीछे से जैसे अपलिफ्ट कर दिए है ये, तो ये सबसे क्या फ़र्क पड़ा है, और साथ ही मैं इसका एग्जॉस्ट नोट कैसा है, क्योंकि इसमें ट्विन एग्जॉस्ट होते हैं सिलेंडर, सिंगल सिलेंडर होने के बाद भी। लेट्स हिट दी स्टार्ट सेल्फ स्टार्ट बटन और लेके चलते हैं इसे बढ़िया सी राइड पे, और देखते हैं राइड करके क्या मज़ा आता है, क्या फील है इस बाइक में। एग्जॉस्ट नोट सुन लो पहले आप, एग्जॉस्ट नोट इज़ बहुत बढ़िया है इस बाइक का, और एग्जॉस्ट नोट ना थोड़ा सा आगे से कम सुनाई दे रहा है, क्योंकि एग्जॉस्ट ना पीछे की तरफ काफ़ी ज़्यादा है, तो बेसिकली जहाँ से एयर रिलीज़ होती है ना एग्जॉस्ट की, वहाँ पे ज़्यादा बढ़िया साउंड आता है, जो बेसिकली पीछे बैठेगा ना उसको और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ओ माय गॉड, व्हाट अ पावर भाई, ये तो नीचे से निकलने को तैयार हो रही है। ओ भाई साहब, आगे से उठने को रेडी है ये बाइक, इतनी पावर है भाई इसके अंदर, इतनी ज़्यादा पावर, सुपर पावर ब्रो, सुपर भाई, क्या खींच रही है। और भाई मैं आपको बता दूं सबसे पहले इस इंजन के बारे में, इस बाइक के इंजन के बारे में, कि इसके इंजन की क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या खासियत है, और क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। जो इसके इंजन है ना भाई, ये आता है अल्फा 2 इंजन, ये बिल्कुल न्यू इंजन है अगर मैं आपको बता दूं तो। और ये जावा 42FJ में ही आया है। अब बेसिकली FJ क्या है, FJ जो इसके ओनर है, जिसने मतलब ये बाइक डिज़ाइन करी है, ये बाइक बनाई है, बेसिकली उनका नाम आता है FJ में। और इस बाइक के जो इंजन की पावर की बात करें तो 29.45 PS की पावर इसमें आती है, और 29 Nm का इसमें टॉर्क मिलता है आपको। टू बी प्रिसाइज बोलूँ तो दोनों 30-30 आपको मिल जाएगा, 30 PS की पावर एंड 30 Nm का टॉर्क। अब वो जो 0.75 है ना, उसको प्लस 0.5 के आगे जाके वो ऑलमोस्ट 30 हो जाता है, तो 30 आप मान सकते हो, तो उतनी इसमें पावर मिलती है, और इतना ही इसके अंदर कुछ टॉर्क मिलता है। और ट्विन एग्जॉस्ट आपको मिलता है सिंगल सिलेंडर होने के बाद भी, जिससे कि आपका एग्जॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाता है, साथ ही में आप काफ़ी स्पोर्टियर पोजीशन पे बैठे हो, सस्पेंशन काफ़ी अच्छे यहाँ पे दे रखे हैं, सस्पेंशन में कोई कमी नहीं है, सस्पेंशन मुझे बहुत बढ़िया लगे। चलने में देख लो आप, बढ़िया चलने में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया भाग रही है, अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है चलने में, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, ये देख लो। तो देख सकते हो आप परफॉर्मेंस कितनी बढ़िया है, मतलब आपने थ्रॉटल दिया और आपको इंस्टेंट परफॉर्मेंस मिलेगी देखने को। साथ में ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है, और रेड लाइन भी बहुत जल्दी नहीं हो रही है, मतलब अच्छे खासे फर्स्ट सेकंड गियर पे भी, अगर आप फर्स्ट गियर पे तो भाई आगे से उठने को रेडी हो जाती है। स्लीपर क्लच है, स्लीपर एन असिस्ट क्लच आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, भागने में बहुत बढ़िया भाग रही है भाई, और साथ ही में स्लीपर एन असिस्ट क्लच जो दिया है ना भाई, बिल्कुल भी जर्क फील नहीं हो रहा, किसी भी टाइम पे आप गियर शिफ्ट करो आपको ज़रा भी जर्क फील नहीं होगा, गियर बहुत स्मूथ है, इंजन काफ़ी स्मूथ है, और कोई भी अभी तक हीटिंग के इश्यूज नहीं है, काफ़ी मैं रेड लाइन कर रहा हूँ बाइक को, मुझको ज़रा भी हीटिंग के इश्यूज नहीं मिल रहे हैं बाइक के अंदर। गियर पोजीशन इंडिकेटर है, चौथे गियर पर बाइक चल रही है, पुल अच्छा है चौथे गियर पर भी, और ये भाई इंजन की रिफाइनमेंट्स है ना, इंजन काफ़ी ज़्यादा पहले से पेपी हो गया है पावर बढ़ने के बाद। और इस बाइक से आप बहुत ज़्यादा माइलेज की बताऊँ मैं आपको, क्योंकि माइलेज बहुत बड़ा कंसर्न रहता है, क्योंकि भाई 350 cc की बाइक है, तो माइलेज की मैं आपको बता दूँ तो माइलेज आप इसमें ना 30-35 ही आप सोच सकते हो इसके अंदर। देख रहे हो भाई कितने एकदम बढ़िया बढ़िया, अगर इसमें वो होता ना, इसमें मीटर चालू होता ना, मैं आपको दिखाया था भाई, ये बड़ी आराम से 100 लग रही है भाई, बहुत प्यार से 100 चली जा रही है, ज़रा भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, मतलब बड़े प्यार से, बहुत प्यार से 100 जा रही है। और थ्रॉटल भाई बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स है भाई, थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड कर रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मज़ा आ रहा है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स भाई बहुत प्यारा है भाई इस बाइक का, मतलब एकदम कहते हैं ना मज़ा, तो एकदम मज़ा गाड़ दिए वो वाला थ्रॉटल रिस्पॉन्स भाई इस बाइक का आ रहा है। बाकी गड्ढे वड्ढे में यार देखो सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको ज़्यादा जर्क वगैरह ऐसा फील होने वाला है नहीं, सबसे बढ़िया बात, और मतलब नॉर्मली है। और थोड़े थोड़े पीछे से ना पटाखे से मार रही है, ट्विन एग्जॉस्ट दिए ना तो वहाँ से पटाखे मार रही है, बाकी एग्जॉस्ट साउंड इसका मुझे बहुत बढ़िया लगा भाई, बहुत बेटर है, जैसे 350 cc की बाइक है ना, सबसे एग्जॉस्ट नोट मुझे बहुत तगड़ा लगा इसका, कि अगर आपको एग्जॉस्ट नोट प्यार है ना तो भाई आप ये बाइक ले लो, आपको एग्जॉस्ट नोट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी पूरा लोहा है, टैंक की बात करें टैंक लोहा, फ्रंट फेंडर इसका सब कुछ पीछे लोहा, तो सब लोहे का ही है, एलुमिनियम के फ्रंट फेंडर ऐसे दे रखे हैं, तो मतलब ऐसे सब कुछ आपको मेटलिक ही मिलेगा,
कुछ आपको प्लास्टिक का पार्ट देखने को नहीं मिलेगा इस बाइक के अंदर। और जिस प्राइस पॉइंट पे बाइक आती है उस प्राइस पॉइंट पे ना भाई इस बाइक को मतलब कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि भाई ये जो बाइक है ना मतलब जो क्वालिटी ये दे रही है, जावा आपको जो यहाँ पे क्वालिटी ऑफर कर रही है, तो भाई ये क्वालिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है भाई, क्वालिटी मैटर करती है। अगर आपको एक क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि देखो यार आजकल रॉयल एनफील्ड देखो हर दूसरे बंदे के पास है, किसी के पास चलो रॉयल एनफील्ड आपको मिलेगी, प्लस वहाँ पे आपको इंजन हीटिंग इशूज़ मिलेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो रॉयल एनफील्ड के इंजन है ना उनको कोई तो कूलिंग सिस्टम देना चाहिए, उसके अंदर एक 350 cc का इंजन है उसमें कुछ तो कूलिंग सिस्टम होना चाहिए, कुछ नहीं तो ऑयल कूलर ही दे देते, थोड़ी बहुत तो वहाँ से कूलिंग का ऑप्शन होता है, बट उन्होंने कुछ भी नहीं दिया 350 cc होने के बाद भी। बट अगर बात करें जावा, तो भाई जावा में आपको ये तो काफ़ी ज़्यादा पेपी इंजन मिलेगा, आप चला के देखना, आपको बहुत ही ज़्यादा पेपी इंजन देखने को मिलने वाला है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे आपको मिलेगा भाई लिक्विड कूलिंग, तो लिक्विड कूलिंग समझ सकते हो कि भाई लिक्विड कूलिंग में इंजन काफ़ी रिलायबल रहता है और आपको हीटिंग के इशूज़ नहीं मिलेंगे, क्योंकि भाई जैसे ही थोड़ा सा इंजन हीट होगा आपका रेडिएटर ऑन हो जाएगा तो वो इंजन पे इफेक्ट नहीं पड़ता हीटिंग का, और इंजन काफ़ी स्मूथ है, कोई वाइब्रेशन मुझे फुट पैक्स पे कहीं पे भी नहीं आ रही है, क्योंकि देखो मैं डोमिनार चलाता हूँ तो डोमिनार में भाई बहुत वाइब्रेशन है, मतलब अगर बात करें कंपेयर करें इससे तो इसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन उसमें आया है, तो मुझे तो ये बिल्कुल भी इसमें वाइब्रेशन फील ही नहीं हो रही है इस बाइक के अंदर, और चलाने में बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। देख लो ये बुलेट जा रही है आगे यार, क्वालिटी और क्वालिटी में देखो अभी देखो देख रहे हो भाई साहब, पावर बोलते हैं इसको पावर। और ये मेरे इधर होंडा निकली है, सबको बिछाड़ दिया भाई, क्या हुआ भाई बढ़िया काम कर रहा है इसका, और रेडिएटर भी अब ऑन हो चुका है, और यहाँ ABS की लाइट जल रही है, फ्यूल की लाइट जल रही है, ये देख लो आप बढ़िया। और बाइक यार बहुत बढ़िया लगी मुझे, बहुत स्मूथ बाइक है यार, चलाने में बहुत मज़ा आ गया। और यार ऐसी चीज़ मिल जाए ना, मतलब मैं आपको एक बार ये बोलूँगा कि आप कोई भी बाइक कंसीडर कर रहे हो ना इस सेगमेंट की, तो मेरा आपको ये राय रहेगी कि एक बार आप स्वाति मोटर्स आ जाओ और यहाँ पर आके आप इसकी टेस्ट राइड लेके देखो, इसको चला के देखो, आपको लिटरली में भाई मज़ा ना आया ना, आप मेरे को चैनल पे आकर कमेंट कर देना। बाकी जिस जिसने भी ये बाइक चलाई है तो एक बार आप बताओ कि बाइक चला के आपको लगी कैसी, अगर आपने चलाई हो, अगर नहीं चलाई तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा कि भाई आप आगे एक बार इस बाइक को चला के देखो, इसकी पेपिनेस को समझो, और साथ ही में जो उसका ये जो सीटिंग का जो सीटिंग पोस्चर है ना, राइडिंग पोस्चर, वो बहुत बढ़िया है, एकदम आप स्ट्रेट बैठते हो, एकदम आपका हैंडल एकदम स्ट्रेट रहने वाला है, तो आपको चलाने में मज़ा आएगा, साथ ही में हैंडल आपका स्ट्रेट रहेगा तो उसमें आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। बाइक भाई एकदम पास है, अगर आपको बाय करनी है तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि भाई आप यहाँ पे आ सकते हो जावा स्वाति मोटर्स, ये शोरूम पे आके अपनी डील को आप कर सकते हो फाइनलाइज़, और यहाँ पे आपको अच्छा ऑफ़र लोन EMI वगैरह सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने को, जैसे लोन फैसिलिटीज़ EMI फैसिलिटीज़ ये सारी फैसिलिटी भाई इस शोरूम पे यहाँ पे अवेलेबल है, तो विद इन 1 आवर के अंदर आपको ये लोन वगैरह करके सब कुछ दे देंगे, तो बाकी डील अपनी यहाँ पे आकर फाइनलाइज़ कर सकते हो। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को लो सब्सक्राइब, मिलते हैं आपसे एक और अगली अच्छी प्यारी सी वीडियो में एक नई बाइक के साथ, जब तक के लिए अपना प्यार ऐसी बनाए रखें, बाय बाय।